नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। यूपी में करीब 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज शाम को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। जितिन के अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पलटू राम, संजय गौर, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। दरअसल 4 महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम भी माना जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 8 जुलाई को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी को खास तवज्जो दी गई थी, जिसमें जातीय गणित को साधने की पूरी कोशिश की गई। यूपी से बनाए गए 7 नए मंत्रियों में 4 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण समाज के थे। मोदी के कैबिनेट में यूपी का मजबूत प्रतिनिधित्व है और ये पहली बार है जब केंद्रीय कैबिनेट में यूपी से रिकॉर्ड 15 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अब बीजेपी यूपी चुनाव को पूरी गंभीरता से ले रही है। पार्टी ने बूथों को मजबूत करने का अभियान भी शुरू कर दिया है। चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यूपी में 3 दिन प्रवास किया और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 350 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। तो यूपी कैबिनेट का विस्तार आज हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आज शाम को बैठक होगी, बैठक के बाद चर्चा हो सकती है। वहीं जितिन प्रसाद को शपथ भी दिलाई जा सकती है। आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसको लेकर बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या फिर राज्य स्तर पर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, यूपी में करीब 4 महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आज शाम को कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद सहित 7 मंत्रियों को शपथ भी दिलाई जा सकती है। जितिन के अलावा मंत्री पद की शपथ लेने वालों में पलटू राम, संजय गौर, संगीता बिंद, दिनेश खटीक, ये नाम जो है सामने आ रहे हैं। धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अब से 4 महीने बाद यानी कि बहुत ही कम समय है और यूपी में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि 8 जुलाई को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी को खास तवज्जो दी गई थी, जिसमें जातीय गणित को साधने की कोशिश की गई। यूपी से बनाए गए 7 नए मंत्रियों में 4 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण समाज का था। मोदी के कैबिनेट में यूपी का मजबूत प्रतिनिधित्व है और ये पहला मौका है जब केंद्रीय कैबिनेट में यूपी से रिकॉर्ड 15 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं अब बीजेपी यूपी चुनाव को पूरी गंभीरता से लेती हुई नजर आ रही है। पार्टी ने बूथों को मजबूत करने का अभियान भी शुरू कर दिया है और तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं और इन चुनावों पर मंथन कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? रूबी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? तो रूबी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको बता दें कि आज यूपी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी यूपी में 3 दिन तक यहां वो रहे थे और चुनावी तैयारियों की चर्चा की थी, चुनावी तैयारियों पर मंथन किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 350 सीटें जीतकर सरकार बनाएगी। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की खास तैयारी है, बूथ स्तर से लेकर तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार गांव-गांव तक, लोगों तक पहुंच रहे हैं ताकि जो इन 4.5 सालों का कामकाज है वो लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए कि इन 4.5 सालों में कितना विकास हुआ है और साथ ही साथ पहली सरकारों में किस तरह से अपराध बढ़ा था, विकास को तवज्जो नहीं दी गई थी, ये तमाम बातें लोगों तक पहुँचाई जा रही हैं। तो 4 महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि 8 जुलाई को हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में यूपी को खास तवज्जो दी गई थी। यूपी पर पूरी तरह से फोकस किया गया था, जिसमें जातीय गणित को भी साधने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर की गई है। ज्यादा से ज्यादा जो चेहरे हैं वो ओबीसी के बताए जा रहे हैं। लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। रूबी, आज यूपी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, केंद्रीय कैबिनेट का जब विस्तार हुआ था यूपी को खास तवज्जो दी गई थी, ऐसे में आज जब यूपी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है तो क्या कुछ जानकारी है? काजोल, देखिए बता दूं कि आज योगी सरकार के कुछ मिनिस्टर जो पहले से थे उनको हटाया भी जा सकता है, ये भी एक सूत्र बता रहे हैं। दूसरा ये भी है कि राजभवन लगभग 1 से 1.5 के बीच में गवर्नर पहुंचेंगे आनंदीबेन पटेल, और उसके बाद
हाई लेवल बैठक है और कैबिनेट में लगभग 6 से 7 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। अब ऐसे में राजभवन में हलचल बढ़ चुकी है, अफसर जो छुट्टी पे तो उनको बुला लिया गया है। तकरीबन अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल का विस्तार जो है लगभग शाम 6 से 7 के बीच में शपथ ग्रहण किया जाएगा और 6 से 8 नई मंत्री है जिनके नए चेहरे देखने को मिलेंगे, जिनमें कुछ नाम सामने निकल के आए हैं, जैसे संजय निषाद है, जितेंद्र प्रसाद मंत्री बनाए जा सकते हैं और उसके साथ ही साथ बेबी रानी मौर्य है, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ जेपीएस राठौर है, उनको भी जगह दी जा सकती है। तो काजल, समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे में अभी हाल ही में निषाद पार्टी से इनका हाथ मिलाया गया और ऐसे में इन लोगों को जगह दी जाएगी मंत्रिमंडल विस्तार। बिल्कुल रूबी, जिस तरह से अगर बात की जाए जितिन प्रसाद की, तो कांग्रेस के कद्दावर नेता वो रहे हैं लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो क्या उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि पहले भी नाम इनकी चर्चा में चल रहे थे और आज मोहर लग जाएगी, क्योंकि सूत्र जो है यही बता रहे हैं कि जितिन प्रसाद फोन किया गया, स्पेशल बुलाया गया है और लखनऊ में खास तौर से इंतजाम किए गए हैं, राजभवन में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और कई ऐसे नाम और भी हैं जिनमें लगभग 6 से 8 माना जा रहा है जो मंत्री रहेंगे और उनको जगह दी जाएगी, लेकिन जो नाम सबसे ऊपर जो चल रहा है वो जितिन प्रसाद मंत्री का ही चल रहा है। बिल्कुल रूपी, अगर देखा जाए तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ था, यूपी से 7 मंत्री जो हैं वो बनाए गए थे, जिसमें से 4 ओबीसी थे, 2 दलित थे और 1 जो था ब्राह्मण चेहरा था। क्या इसी तर्ज पर यूपी कैबिनेट का भी विस्तार हो सकता है, क्योंकि 2022 बेहद करीब है? काजोल, अक्सर देखा ये जाता है जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो उसमें जो पैलर तैयार किया जाता है उसमें खासतौर से इन बातों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अब चुनाव करीब है और चुनाव को देखते हुए खासतौर से उन्हीं चेहरों को, या ये कह सकते हैं ब्राह्मण चेहरा है या फिर ये कह सकते हैं कि निषाद चेहरा हुआ, तो ऐसे लोगों को खासतौर से तवज्जो दिया जा रहा है कि जनता के बीच में उनको एक मैसेज देना, यानी कि जनता के बीच पहुंचने के एक माध्यम होते हैं ऐसे मंत्री विधायक, और ऐसे में खासतौर से जितिन प्रसाद काफी गद्दावर नेता माने गए हैं और उनको शामिल करने की वजह यही बताई जा रही है, क्योंकि जो पुरानी इनकी पैठ थी अब उसको देखते हुए लखनऊ में अब उनकी जो जगह है वो और मजबूत बना दी जाएगी, खासतौर से जब वो मंत्री बनाए जाएंगे। अब दूसरी बात यहाँ पे ये भी देखने को मिलती है काजोल, जब चुनाव करीब होते हैं तो खासतौर से उन चेहरों को जरूर शामिल किया जाता है जिनको हमें समझाने के लिए, उन जनताओं के बीच में पहुंचाने के लिए एक माध्यम चुना जाता है, अब ऐसे में उन मंत्रियों को खासतौर से जगह दी जा रही है जो खासतौर से जनता के बीच काफी फेमस है, यानी कि चर्चित चेहरे होते हैं और उनको जनता तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल रूबी, देखा जाए तो अभी फिलहाल जैसा कि विपक्ष लगातार बीजेपी पर आरोप लगाता रहा है और आज भी लगा रहा है, क्योंकि राजनीति करनी है तो ब्राह्मणों को तवज्जो ना देना, मंत्रिमंडल में भी ब्राह्मण चेहरे कम हैं, ये भी बातें लगातार हो रही हैं, किसान नाराज हैं, इसके अलावा ओबीसी पर ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है, तो अगर जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, कैबिनेट का विस्तार होगा, तो हो सकता है कि ब्राह्मणों को ज्यादा तवज्जो दी जाए ओबीसी को, ऐसी कोई अपडेट, ऐसी कोई सुगबुगाहट? काजोल, अभी ऐसे में कोई भी सुगबुगाहट तो देखने को नहीं मिल रही है, ना ही ऐसे कहीं से कोई कह सकते हैं कोई सूत्र भी नहीं मिल पा रहे हैं कि जिसमें ये खुलासा हो पाए कि कहीं चेहरे ऐसे भी हो सकते हैं कि ओबीसी हो या फिर ब्राह्मण हो, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अभी कुछ डिपार्टमेंट यानी कि कुछ विभाग जो है वो खाली है और वो सीएम ने अपने पास ही रखा हुआ है, तो अभी समय की जो अवधि है उसको देखते हुए ये भी कयास लगाया जा रहा है, इसके बाद यानी कि आज 6 से 8 जो मंत्री बनाई जाएंगे के बाद कुछ लोगों का विस्तार और किया जा सकता है, हो सकता है कि उसमें जो योगी सरकार है उन लोगों को जगह दे, यानी कि अभी जो कदम फूंक-फूंक कर रख रही है योगी सरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार हम लेते रहेंगे। तो आज योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, जिसको लेकर अभी से ही सुगबुगाहट तेज है कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उसी तर्ज पर यूपी में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ज्यादा फोकस ओबीसी चेहरों पर हो रहा है, यूपी को खासा तवज्जो केंद्र सरकार ने दी थी क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका रास्ता जो है दिल्ली तक पहुंचता है, अगर आप यूपी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसके बावजूद आप दिल्ली में जा सकते हैं, तो ऐसे में खासा तवज्जो उत्तर प्रदेश को दी जा रही है और आज यूपी कैबिनेट में भी देखना होगा कि कौन से चेहरे पर कितनी मुहरें लगती हैं, क्योंकि ब्राह्मण नाराज हैं ऐसा विपक्ष कहता है, ओबीसी नाराज हैं ऐसा विपक्ष कहता है, किसान नाराज हैं ये भी लगातार विपक्ष आवाज उठाता रहता है।
वहीं अमेठी के पावर हाउस के पास स्थित मजार पर कुछ लोग झाड़फूंक कर भूत प्रेत उतारने का काम करते हैं, जहां बीते शाम कुशीताली गांव निवासी इरफान और अब्बास अपनी मौसी के लड़के को झाड़फूंक कराने के लिए मजार पर लाए थे। बताया जा रहा है कि लड़का मानसिक रूप से विक्षिप्त था, जिसने मजार के पीछे स्थित तालाब में छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए मौके पर दोनों भाइयों ने भी तालाब में छलांग लगा दी, लेकिन जो मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक था वो अपने आप बाहर निकल आया, जबकि उसे बचाने गए दोनों भाई तालाब में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर शव बरामद कर लिए हैं। मामला है, एक 15-18 साल का लड़का था, वो जो है 10:15 बजे रात को जो है पावर हाउस के पीछे मजार के पीछे गढ़ी थी, उसी में जो है वो छलांग लगा दिया, और दो भाई और थे जो अब्बास और इरफान नाम था, तो उसके वो खाला का लड़का था, तो उस दिमाग से जो है दिक्कत थी उसको, वो गढ़े में जाने के बाद फिर वो कह रहा था हमें बचा लो, तो दोनों भाई जो है 5-6 फुट के रस्सी लेके एक दूसरे के हाथ में बांध के फिर उसको जो है कहे कि चलिए निकालते हैं, तो जैसे निकालने के लिए गए वो दोनों जो है अंदाज नहीं पाए कितना गहरा था, वो खुद चले गए और जो लड़का बीच में कूदा था फिर वो अपने आप जो है बाहर निकल के आ गया। जा क्यों गया था ये पता लगा कुछ? वो दिमाग से थोड़ा सा कुछ ऊपर ही बात थी, इस वजह से वो जो है 10:15 बजे का मैटर वो कूद गया। तो बरेली में सुभाष नाम के एक युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाली निशान खड़े हो रहे हैं, जहां पुलिस का एक सिपाही एक युवक को कच्ची शराब बनाने के आरोप में घर से लेकर आ गया था और उससे 25,000 की मांग की थी और ना देने पर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी थाने में ही मौत हो गई। मृतक भोजीपुरा थाना क्षेत्र के कंचनपुर का रहने वाला था। उसके परिजनों का आरोप है कि देर रात पुलिस सुभाष को घर से उठाकर ले गई, जब परिजन थाने पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया, लेकिन शाम को राममूर्ति स्मारक मेडिकल कॉलेज बरेली से युवक की मौत की सूचना आई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने सुभाष को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं पुलिस पर आरोप ये भी है कि पुलिस मामले को घुमा फिरा रही है। थाने में ही युवक की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने युवक को अस्पताल में मृत घोषित करवाया है। मृतक की पत्नी गंगा देवी ने बताया कि जब उसके पति सुभाष को पुलिस लेकर गई तब उसको कोई भी बीमारी नहीं थी और वो एकदम स्वस्थ था। वहीं पुलिस अपना बचाव करते हुए युवक को हार्ट पेशेंट बता रही है और हार्ट अटैक का मामला बता रही है, लेकिन परिजनों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया है कि सिपाही रवि कुमार अपने अन्य साथियों के साथ आए थे, जिन्होंने थाने ले जाकर मेरे पति की हत्या कर दी। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर पुलिस पर हत्या का आरोप लग रहा है। दरअसल बताया जा रहा है कि एक युवक जिसका नाम सुभाष था उसे पुलिस उठाकर ले गई थी और बताया जा रहा है कि अवैध कच्ची शराब बेचने के जुर्म में उसे उठाकर लेकर गई, उससे पूछताछ की गई और ये भी कहना है कि उससे 25,000 रिश्वत के तौर पर मांगे गए, लेकिन जब उसे नहीं दिए तो उसकी पिटाई की गई। पिटाई इतनी बुरी तरीके से की गई कि उसकी जान चली गई, लेकिन पुलिस ने मिलकर उसे अस्पताल पहुँचाया और वहाँ से फोन करके परिजनों को जानकारी दी, लेकिन परिजनों को आरोप है कि सुभाष की मौत जो है वो थाने में ही हो गई थी, लेकिन पुलिस गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पुलिस पर ये भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो वहां पर पुलिसकर्मी हैं उनके तमाम साथी उन्होंने मिलकर उसकी जमकर पिटाई की है और वहीं पर उसने दम तोड़ा, लेकिन पुलिस ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी जान चली गई। परिजनों का ये भी कहना है कि जब सुभाष को पुलिस उठाकर लेकर गई थी उसे किसी तरह की कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे हार्ट से जुड़ी कोई दिक्कत थी और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है, लेकिन पुलिस जो है लगातार परिजनों को भगाने की कोशिश कर रही है। बरेली का ये पूरा मामला जहां पर घर से थाने ले जाकर युवक की जमकर पिटाई गई और पुलिस पर अब हत्या का आरोप लग रहा है। परिजन गंभीर आरोप पुलिस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में कुछ भी कहा नहीं जा रहा। थाना भोजीपुरा के ग्राम कंचनपुर की रहने वाली श्रीमती गंगा देवी ने अपने परिजनों के साथ थाना भोजीपुरा पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। उसमें बताया है कि उनके पति श्री सुभाष जो टीबी और दिल के मरीज थे और उनका इलाज पिछले कई दिनों से चल रहा था, कल उनकी तबीयत ख़राब हुई थी और उनको हमने अस्पताल से दवा भी दिलवाई थी, आज उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो उन्होंने अपने पति के एक दोस्त के साथ में उनको एक अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां दौरान इलाज उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु जो है बीमारी के कारण हुई है और इसमें किसी प्रकार का किसी का दोष नहीं है। अगर किसी ने किसी प्रकार की अफवाह फैलाई हो तो उसको खारिज किया जाए।
बावजूद इसके उनके पति के शव का पंचायतनामा भरा गया है और मृत्यु के वास्तविक कारणों की जानकारी के लिए पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो बरेली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं क्योंकि पुलिस थाने में युवक की मौत हो गई। ऐसा परिजनों का कहना है कि पुलिस ने इस कदर बेरहमी से पीटा युवक को कि उसकी जान चली गई और आरोप ये भी है कि पुलिस लगातार मिलीभगत की वजह से ऐसा कर रही है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे से योगेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने पिटाई की जिसकी वजह से सुभाष की जान चली गई, लेकिन परिजनों का यह भी आरोप है कि यहां पर उससे पैसे मांगे जा रहे थे, रिश्वत मांगी जा रही थी 25,000 रुपए और ना देने पर उसकी पिटाई की गई। योगेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है जी। योगेंद्र, पूरा मामला किस तरह से है? देखिए, जिस तरीके से जो युवक के परिजनों का जो आरोप है, उन्होंने बताया कि थाना पुलिस जो लेके गई थी युवक को पकड़ करके, तो यहाँ किसी कारण कोई कारण ऐसे स्पष्ट नहीं हो सका था कि किस वजह से पुलिस ने पकड़ा है। परिजनों ने जाके थाने में जानकारी की तो कुछ स्पष्ट नहीं बता पाए थे कि इसलिए पकड़ा गया है, लेकिन उसकी सिपाही द्वारा, एक सिपाही था थाने का जिस पर आरोप लगाया परिजनों ने, उसके द्वारा पकड़ के ले जाया गया था युवक को और वहां जाके उसकी पिटाई लगाई थी। पिटाई लगाने के कारण उसकी वहां मृत्यु हो गई थी। योगेंद्र, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है? क्योंकि बताया ये जा रहा है पुलिस द्वारा कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि उसे कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। देखिए, जिस तरह से अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों से उन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि इसको, युवक का जो हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक से मौत होने की पुलिस के द्वारा जो चीजें बताई जा रही हैं अधिकारियों द्वारा, वो यही बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक द्वारा हुई है, लेकिन युवक के परिजनों का आरोप है कि उसकी पिटाई की गई है जिसकी वजह से ये इसकी मौत हुई है। और अभी तक पोस्टमार्टम की बात करें तो कोई ऐसा मामला अभी तक उसमें एक रिपोर्ट नहीं आई है पोस्टमार्टम की जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि ये। बिल्कुल योगेंद्र, यहाँ जो परिजन हैं और जो मृतक की पत्नी हैं वो लगातार गंभीर आरोप लगा रही हैं, थाने के बाहर, अस्पताल के बाहर हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर ऐसा क्यों? योगेंद्र, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, अभी आवाज आ रही है। योगेंद्र, क्वेश्चन आप कीजिए क्या? योगेंद्र, जो पत्नी है मृतक की, उसका ये आरोप है कि वो लगातार थाने के चक्कर काट रही है, अस्पताल के बाहर है जहां उसके पति का शव है, ना तो शव मिला है और ना ही पुलिसकर्मी कोई इस पूरे मामले में कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से परिवार के जो लोग हैं, उसकी पत्नी या तमाम परिजन हैं युवक के, मृतक युवक के, वो परेशान है, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं पुलिस से। पुलिस को पोस्टमार्टम करा के ये स्थिति भी साफ करना चाह रही है कि इसकी जो मौत हुई है वो किस वजह से हुई है। तो अभी तक जो सब नहीं मिलने का कारण एक ये भी हो सकता है कि जब पोस्टमार्टम होगा बॉडी का, उसके बाद ही परिजनों को सौंपा जाता है, तो ये भी एक वजह है कि इस वजह से नहीं उनको मिल पा रहा है इसका सब। और लगातार जो परिजन है जैसे बता रहे हैं कि युवक की हालत एकदम ठीक ठाक घर से लेके आए थे पकड़ के और थाने में आके उसकी एकदम सडनली मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर तो शक है ही और ये सीधा सीधा आरोप लग रहा है परिवार का, तो उससे स्पष्ट है कि मौत जो हुई है थाने में ही हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बरेली का ये पूरा मामला जहां पर थाने के अंदर युवक की मौत हो गई है, ऐसा परिजनों का आरोप है, लेकिन पुलिस द्वारा हार्ट अटैक से मौत हो जाने का मामला सामने आ रहा है। वहीं फिरोजाबाद पुलिस ने साइबर से जुड़े क्राइम का पर्दाफाश किया, जहां एक युवक ने अपनी पहचान वाली लड़की को बदनाम करने की नीयत से फेसबुक पर लड़की का फोटो लगाकर फर्जी आईडी बनाई और अश्लील कमेंट और पोस्ट करने लगा। वहीं जब लड़की के परिजनों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आज एसपी ग्रामीण अखिलेश नारायण ने मामले का खुलासा करते हुए पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपी का नाम अंकुर है, जो कि फिरोजाबाद का ही रहने वाला है। अंकुर ने अपने ही स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की को बदनाम करने की नीयत से पहले तो फेसबुक पर उसका नाम और फोटो लगाकर फर्जी आईडी बनाई और अश्लील पोस्ट करने लगा। जब इसकी जानकारी युवती के परिजनों को हुई तो उन्होंने आपत्ति जताते हुए थाना मटसेना में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद थाना मटसेना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से आरोपी अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
साइबर रिलेटेड क्राइम है जिसमें एक अभियुक्त जो जिसका नाम अंकुश है, इसने फर्जी अपनी फेसबुक आईडी बनाई जिसपे एक लड़की के नाम से, और उसके बाद तमाम तरह की अनाम शनाम चीज़ें उस पर आपत्तिजनक कंटेंट उस पर डाला, पिक्स भी डाले, और इस पर जब कंप्लेन प्राप्त हुई तो साइबर सेल ने इस पर संज्ञान लेते हुए तत्काल काम शुरू किया, और इसमें जानकारी करने पर इसने पाया कि इसके पीछे इस नाम का अभियुक्त है जिसका नाम अंशु है, इसकी गिरफ्तारी की गई है। और इस प्रकार अच्छा हुआ, और इसी के माध्यम से मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूँगा, सबको बताइए कि जो अननोन आदमी अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक पर तो कृपया उसको एक्सेप्ट न करें। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अगर आप करते हैं तो इस तरह के खतरे की संभावना काफ़ी रहती है। श्रावस्ती की कोतवाली भिनगा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब संदिग्ध परिस्थिति में एक वायता का शव फंदे से लटकता मिला। बता दें कि मृतका की पहचान 27 वर्षीय सीमा के रूप में हुई है। मामले में सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। जिले के कोतवाली भिनगा के भीगपुर तिराहे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। ২০২২ के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है और मुस्तैदी के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सदस्य किरणमय नंदा ने विधानसभा के बूथ संगठन के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने जहां एक ओर 2022 के विधानसभा चुनाव पर पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार बनाने का दावा किया तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीएम योगी और पीएम मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के राज्य में महंगाई आसमान छू रही है जिससे जनता बहुत ज्यादा परेशान है। बलरामपुर में सरकार का गड्ढा मुक्त सड़कों वाला नारा धाराशाही होते हुए दिखाई दे रहा है। मामला बलरामपुर के केंद्रीय विश्वविद्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां सड़क जाकर आपको ये समझ नहीं आएगा कि गड्ढे सड़क पर हैं या सड़क में गड्ढे हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। आए दिन केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के रिक्शे पलट जाते हैं। बरसात के मौसम में गड्ढों में पानी भर जाने के कारण छात्र छात्राएं उन्हीं गड्ढों में गिर जाते हैं। इन गड्ढों की वजह से इन सड़कों पर आवागमन करने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रिक्शे वाले बताते हैं कि आए दिन हम लोगों की रिक्शा पलट जाती है, पर ना तो कोई अधिकारी इसका संज्ञान ले रहा है ना ही कोई नेता। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों का हाल कितना खस्ता हाल है। जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं और छोटे छोटे मासूम जो बच्चे हैं वो यहीं से ही साइकिल से होते हुए गुजर रहे हैं, ई रिक्शा से होते हुए स्कूल जाते हैं और यहाँ पर, लेकिन इन गड्ढों में मासूम बच्चे गिर भी जाते हैं, कई बार उन्हें गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। वहीं जो रिक्शा चालक है उनका कहना है कि कई बार उनकी रिक्शा पलट जाती है, ना तो कोई अधिकारी यहाँ पर कोई सुनवाई कर रहा है ना ही यहाँ कोई नेता इस ओर ध्यान दे रहा है। तो 2022 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन जिस तरह से जब बीजेपी सत्ता में आई थी उत्तर प्रदेश में, तो ये कहा था कि उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि वाकई काम तो हो रहा है लेकिन सिर्फ कागजों में। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।